शुभम कॉस्मो गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। मेष राशि के जातक ऐसे तो गुस्से वाले होते हैं, शिस्त के भी आग्रही होते हैं और जिससे वो ज़्यादा प्यार करते हैं वो अगर गलतियाँ करते हैं तो उनको ज़्यादा गुस्सा आता है। आर्थिक रूप से इकोनॉमिकल मेष राशि के लिए अगर हम देखने जाएं तो नाणकीय व्यवस्था को आप अच्छी तरह से संभाल सकते हैं, मगर ये वर्ष में आपको उद्वेग, टेंशन और हताशा ज़्यादा रहेगी। आपको डिसीजन बहुत ही संभल कर लेना पड़ेगा। ऐसे जो बिजनेस करते हैं, धंधादारी जो है, उनको ये साल में कोई नया प्रोजेक्ट करना हो, कोई नया आयोजन करना हो तो उसमें संभल कर इकोनॉमिकल समझ कर आपको करना ज़रूरी है। जो सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, उनको अपने ऊपरी अधिकारी से तकलीफ हो सकती है, तो अगर आप कोई भी गलती नहीं करोगे तो ये साल नौकरी करने वाले के लिए भी अच्छा है। ऐसे देखने जाए तो नाणकीय व्यवस्था में उद्वेग, टेंशन होने के बावजूद भी आप संभल सकते हैं। पारिवारिक दृष्टि से 2016 का साल आपके लिए अच्छा है। ऐसे कुटुंब में कोई मेल मिला होगा, कोई सुप्रसंग भी आएगा। हाँ, एक बात है, आपके माता पिता या माता पिता तुल्य व्यक्ति की हेल्थ नरम गरम हो सकती है, इसके लिए आपको ध्यान रखना जरूरी है। हेल्थ की दृष्टि से देखा जाए तो ये साल में आपको हेल्थ के लिए ध्यान रखना जरूरी है। आपके गुस्से वाले स्वभाव के अनुसार जिसको भी हाई बीपी, लो बीपी या हार्ट का कोई प्रॉब्लम है या ऐसी कोई बीमारी है जैसे कि डायबिटीज़, उन सब लोगों को हेल्थ के लिए ध्यान रखना ज़रूरी है। और कोई छोटा या बड़ा ऑपरेशन हो सकता है, अगर कोई गिरने से या फिसलने से कोई तकलीफ हो सकती है या कोई एक्सीडेंट हो सकता है, आपको ये साल में वाहन चलाने में भी ध्यान रखना ज़रूरी है। 27/4 से 24/5 तक उद्वेग या हताशा रहेगी, लेकिन आपका मनोबल मजबूत होने के बावजूद भी ये समय में आपको कोई तकलीफ रहेगी। 28 फरवरी से 18 सितंबर तक आपको अपनी हेल्थ को संभालना जरूरी होगा या कोई कौटुंबिक प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसी ही कोई जानकारी अगर आप अपनी कुंडली के अनुसार जानना चाहते हैं तो आप संपर्क कीजिए cosmoguru.com। शुभम।